भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को भगवान शिव ने बर दिया, आनंद दिया, वहां से चले। आगे का जो क्रम वर्णित करा, भगवान शिव और सती का जो विवाह हुआ था, सती माता जो जलकर भस्म हुई, भगवान शंकर के क्रोध को जो समाप्त किया गया, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ, ये पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। कौन है मैना? शिव महापुराण की कहती है मैना, धन्या और कला, ये पितरों की तीन लड़कियां हैं। किसकी बेटी है? पितरों की तीन बेटी। वैसे पितरों की चार लड़की है, एक भाई की तीन, एक भाई की एक। ऐसे पितर लोक में दो भैया विराजमान पितरों के, तो पितर लोक की चार लड़कियां हैं। आपने श्रीमद् भागवत में पंडित जी से, मुझसे सुना होगा, ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा कि जिन सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के यहाँ पर बीठिका के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन सुखदेव जी महाराज ने, जिन्होंने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब सुखदेव जी महाराज बन जाने लगे थे, तब वेदव्यास जी ने उनको रोका था और कहा था तू शादी कर ले, विवाह कर ले, तो सुखदेव जी ने मना करा था, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। भागवत जी में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं विवाह नहीं करूंगा। वेदव्यास जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैं गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। वेदव्यास जी ने कहा तुझे विवाह करना पड़ेगा। नहीं माने, तब वेदव्यास जी ने गुरु जनक जी के पास भेजा। जनक बाबा ने कहा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, पर पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह किससे करूं? तो सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह करा। पितरों की एक कन्या पीवरी, एक भाई की बेटी, क्या नाम था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुमारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ, और पितरों की तीन कन्या अलग हैं, क्या नाम था उनका? मैना, धन्या और कला। ये पितरों की तीन बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे, तभी पितरों की कन्या मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मैना धन्या कला तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में हमारी साधना में तुमने खलल करा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे, जाओ। मैना धन्या कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए, नारायण हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में तीन देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठकर जाओ अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा सुनने आते हैं, किसी को लगे ना, किसी को ना लगे। जब निकल के जाओ तो ध्यान रखो किसी को पांव तो नहीं लगा, ना जाने कौन सा देवता बैठा हुआ था, कौन सी देवी बैठी हुई थी, क्या पता कौन स्थान था, ध्यान रखिए। भगवान को पाना, मैना धन्या कला तीनों पृथ्वी पर गई, तो मैना की गोद से माता पार्वती प्रगटी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीन पितरों की कन्या थी, तीनों की गोद में तीन देवियां खेली। ये मौसी मौसी की लड़की हैं, पार्वती सीता और जम के बोलो राधा। कहां की थी राधा जी? जम के बोलो सब, बरसाने। कौन सा महाराज बताया कि बरसाने की थी?
नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ लिया। राधे बरसाने, राधा जी थी रावल की, कहाँ की थी? रावल। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, वृषभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार होली खेलने जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्या नाम है? वर्ष, वर्ष में एक बार आना, वो बरसा। रावल गांव की थी, बहुत आनंद। अब कथा कह रही है श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, मेनावती के गर्भ से कन्या प्रगटी, पार्वती मैया प्रगटी। हिमालय राज के घर में मेनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ, इतने में श्री देवर्षि नारद का आगमन। देवर्षि नारद का आगमन हो गया, और देवर्षि नारद का आगमन जैसे हुआ, आगमन होते श्री देवर्षि नारद जी ने भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। बस ये वही भाग्य वाली बात है। यशोदा जी की गोद में लाला थे, शंकर भगवान दर्शन करने जा रहे थे, और बाबा भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही जाने लगे पार्वती जी ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले, दर्शन करने के लिए। कहाँ? अरे कन्हैया का दर्शन करने के। कन्हैया का दर्शन? हाँ। पार्वती जी बोली, मैं भी जलूंगी। भगवान बोले, तू मत जा, तेरे चक्कर में मेरा भी दर्शन छूट जाएगा, तू तो मत जा, रहने दे, मैं चले जाऊं, बहुत है, नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी, नहीं मानी, चली। बाबा भोलेनाथ जी तो चले गए, बाबा भोलेनाथ चले। और भगवान शिव जब पहुंचे, बाबा भोलेनाथ जी जब पहुंचे दरवाजे पर, अलख जगाई। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, वो आकर अलख जगाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम। अब शिव जी पहुंचे, उससे पहले माता, उसी समय पर पार्वती मैया पहले ही पहुंच गई, और जगदम्बा पार्वती पहले ही पहुंच कर यशोदा जी से बोली, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली, कौन आया है? देखा एक बूढ़ी बूढ़ी सी मैया, बड़ी सी बिंदी लगाई है, लाल चुंदड़ी की साड़ी पहनी है, मांग भराई है, पांव में सुंदर बड़े बड़े बिछोड़े हैं, हाथ में कंगन है, और टोकरी बुढ़िया अम्मा बाल में गजरा लगाई है,
तो यशोदा जी सोची है हमारे यहाँ की तो नहीं दिख रही है, ना जाने कहाँ की। यशोदा जी ने पूछा भाई क्या बात है, कैसे आए हो। तब उसी समय पर यशोदा जी ने जैसे ही पूछा, पूछते ही अम्मा बोली, यशोदा सुन, तेरे बेटे पर काल मंडरा रहा है और मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी, तेरे घर में रहूंगी, पर एक शर्त है, मुझसे बिना पूछे तू अपने बेटे को किसी को दर्शन नहीं कराए। यशोदा जी फंस गई। यशोदा जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आप यहाँ रहो, मेरा बेटा बस अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप रहो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वचन दे। बिल्कुल वचन, चलो। अब ये तो आई, शाम के भोलेनाथ जी आ गए, अलग जगह ही देव। यशोदा जी बाहर आई, बोलो बाबा क्या बात है। बाबा बोले हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। इतने में यशोदा जी बोली, बाबा दर्शन तुम्हें करा नहीं सकती। क्यों नहीं करा सकती। इतने में बाबा हमारे यहाँ पर एक माता जी आई हैं, वो बोलती हैं कि कोई भी यहाँ आए वो तेरे बेटे का काल है। अच्छा, कहाँ की माता आई, जरा दिखा तो। यशोदा जी अंदर गई, बूढ़ी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा भिक्षा मांगने आया है दर्शन की। माँ बोली, पहले मुझे जाके देखने दे, है कि नहीं लाया, देखने दे। माँ जैसी खिड़की में से झांकने के लिए गई तो भोलेनाथ जी ने जो देखा, जगदम्बा जी ने भुकुटी ऊंची करके कहा, शंकर जी समझ गए मेरे से पहले तो ये डोकरी पहुंच गई। अच्छा, माताओं की आदत है तुरंत जगह बना लेती है, नहीं तो यशोदा बिना किसी को पहचाने जब भोलेनाथ जी के अंदर नहीं आने दे रही तो यशोदा कैसे। माताओं की आदत रहती है, जब ट्रेन में जाती है जगह नहीं मिले तब देखो कितनी जोरदार जगह बना। पति बेचारा खड़ा ही है और ये जी जी कहाँ जा रही हो, बस पास के गाँव तक। अच्छा, और क्या हाल चाल है माँ, कौन रहता तुम्हारा, हमारे मामा जी। अच्छा, तो मामा क्या जा रही हो, हाँ, तो इतने में तो जी जी बोले जा बैठ जा थोड़ी सी जगह। और बेचारा पति टंग गई,